कैन यू सी द जयपुर सिटी हियर, ये देखिए पूरा जयपुर नज़र आ रहा है। और अभी हमें चढ़ना बाकी है, अगर मैं बाइक से नहीं आया होता तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई होती। जो इस पर 30 डिग्री का एंगल प्लेस किया हुआ है, इट इज़ अ 30 डिग्री एंगल एग्जैक्टली, एकदम बुरी तरह चढ़ा दिया उसने। हाइट है गाइस, आप बिलीव नहीं कर सकते कि एकदम ऐसा चैलेंज मिल जाएगा मुझे, तो ज़बरदस्त चैलेंज हो गया। फर्स्ट गियर में गाड़ी चढ़ गई, फर्स्ट गियर में, माय गॉडनेस, सी द जयपुर सिटी। यहाँ से आप देखो क्या देख रहे हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतना जल्दी इतना ऊपर आ गया। ये तो 30 डिग्री कंटिन्यू चलाया जा रहा है, अरे बाप रे, जयपुर डरावना लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि कहाँ पहुँच गया भाई। गलती से कुछ बाइक ने अगर धोखाधड़ी कर दी ना, हुआ सी द जयपुर गाइस, सी द सिटी, अरे वाह, बस कोई बंदा आगे से आ नहीं जाए मेरे सामने, उसको मैं बिल्कुल ही उड़ा दूंगा एकदम 100%। वो अरे ये तो पहुँच ही गए, क्या अंदर तक जा सकती है, अरे वाह यहाँ पे भी जा रही है, तो यहाँ पे भी जा रही है और आगे तक जाएगी। सो दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ से हमें द टी पॉइंट से लेफ्ट घूमना है एंड विल गो टू द नाहरगढ़ फोर्ट। और अब कितना बाकी है, नाहरगढ़ सनराइज सनसेट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, आई थिंक मैं लेट आया हूँ। और यहाँ पे इतने सारे ऑटो, मेरे ख्याल से ये दूसरा रास्ता होगा, बाइक वगैरह यहाँ रखनी पड़ेगी। गुड इवनिंग गाइस फ्रॉम द नाहरगढ़ जयपुर। तो आज मैं जयपुर में आ गया और नाहरगढ़ फोर्ट पे ऊपर चढ़ चुका हूँ और देखना चाहूँगा कि यहाँ से जो जयपुर का व्यू है वो कैसे नज़र आता है। सो फर्स्ट विल गो टू सी द जयपुर, और देख रहा हूँ कि यहाँ से भी जयपुर का एक बहुत ज़बरदस्त विहंगम दृश्य नज़र आ रहा है। लेट्स टेक द टिकट फर्स्ट एंड देन विल गो इनटू इनसाइड द नाहरगढ़ फोर्ट, तो उसके बाद देखेंगे। ये यहाँ पे व्यू देख लीजिए, ये हम जब टॉप पे आ जाते हैं तो ये पोजीशन है, एंड गो इनसाइड एंड चेक। तो ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट पे आ चुके हैं, कंफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है हमें, और ये बताया जा रहा है कि ये अगला, ये 500 रुपये इसका टिकट दे दो। शीश महल है एक, और देखते हैं कि ये शीश महल टिकट में इन्वॉल्व है क्या। यू आर इन सर्वाइव लेंस, ये आप कैमरे की नज़र में हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, हमने भी तो कैमरा लिया हुआ है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और तो यहाँ पे मुझे बोला गया बहुत बड़ा फोर्ट नहीं है, और बस सिंपली जो है भाई स्टेप्स चढ़ के शायद यहाँ से सनसेट पॉइंट है। और दूसरी बात यह है कि फोर्ट यहीं पे समाप्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं है। तो खैर हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं स्लाइटली लेट हो गया, और इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पार्ट है पूरा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज़ पूरा जो हम छोड़ चुके होंगे ये छूट जाएगा। एंड आई डू नॉट वांट टू लीव दिस एंड सी द बावड़ी, वन बावड़ी इज़ देयर, सो विल नॉट सी द बावड़ी एंड कम टू द फोर्ट पार्ट, हम फोर्ट ही देखना चाहेंगे। सो दिस साइड इज़ एन फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट की झलक अब नज़र आने लगी। और ये देखिए यहाँ से जो है नाहरगढ़ फोर्ट
ने अपने दर्शन देने स्टार्ट कर दिए। बहुत ही पीसफुल इनका जो आर्किटेक्चर है वो अपने आप में ऐसा आता है कि आप इसको देखेंगे यू विल फील पीस, एकदम शांति महसूस होगी। इस एरिया को देखिए, इस जगह को जैसे ही हम देखते हैं तो वही चीज़ आ रही है। नाहरगढ़ फोर्ट में जैसे हम एंटर करते हैं उससे पहले कुछ ये शायद पहले का लगा हुआ है कि वंस अपॉन ए टाइम एट नाहरगढ़ सो ए फाइन डाइन, अच्छा मीन्स ये कोई हो सकता है कि अंदर रेस्टोरेंट हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो, तो वो देखते हैं। कम इनसाइड एंड सी। तो ये है श्री माँ गवेंद्र भवन, महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय 1880 से 1922 द्वारा माँ गवेंद्र भवन का निर्माण करवाया गया था। गाइस इसको पॉज करके आप देख लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। सो गाइस हम लोग माँ गवेंद्र भवन के अंदर एंट्री कर रहे हैं एंड सी द ओल्ड आर्किटेक्चर। ये बिल्कुल जो एक डिसेंट तरह का जो आप देख रहे हो आर्किटेक्चर, इसी की कुछ झलक जो है जयपुर के जो सिटी पैलेस म्यूजियम है वहाँ पे भी मिलती है। तो बहुत ही अभी हम देखते हैं कि आनंद प्रकाश है, अलग अलग भवन है, तो इन भवनों को किस तरह से हम चेक करेंगे देखेंगे। खुशहाल प्रकाश, बहुत ही अच्छा कोर्टयार्ड है वो इनसाइड। तो माघवेंद्र भवन का जो एक स्टेप ऊपर छत पे जैसे ही आए हम लोग तो यहाँ से ऐसा देख सकते हैं, तो बड़ी छोटी स्टेप्स बना रखी। तो ये देखिए गाइस, और यहाँ से जो है कुछ कुछ प्लेजेंट लुकिंग। ओ सी 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 दिस वन, ये देखिए मैं बहुत मेहनत से बिल्कुल छत पे आ गया, टॉप पे आ गया। जयपुर का थोड़ा अब सनलाइट नहीं है, अदरवाइज आप इसको देख पाते, बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त। सो गाइज एक और व्यू देखिए जयपुर का यहाँ से, और फिर इसके बाद में हम इस कॉर्नर पे आते हैं। तो पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर, निक टू निक बहुत बड़ा व्यू देख सकते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज व्यूज, रियली यू कैन सी द वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ द जयपुर। सी तो जो चीज़ बोली जाती है कि नाहरगढ़ फोर्ट से हम जयपुर को एक बहुत ही फुल व्यू देख सकते हैं, नाहरगढ़ फोर्ट एंड द जयपुर। गुलाबी नगरी के जो कुछ कुछ लाइंस हैं वो गुलाबी नगरी के वो साफ नज़र आते हैं, कुछ पार्ट में एकदम लाइन वाइज जो है यू कैन सी द पिंक कलर, बट पूरा पिंक नहीं है, बट देर आर सम लाइंस, कुछ ऐसी लाइंस हैं जो कि पूरी पूरी पिंक देखी जा सकती हैं। माघवेंद्र भवन अगर हम देखेंगे, नाहरगढ़ फोर्ट का जो ये पार्ट है वो रियली ग्लोरीफाई हो रहा है, बहुत सुंदर यहाँ से भी दिख रहा है। सी एंड यू कैन चेक, और सनलाइट का आज टोटा पड़ गया, अगर सनलाइट होती तो बहुत अच्छा व्यू हम देख पाते जयपुर का भी। तो एंड देयर इज एन आरटीडीसी होटल हियर। ये हम जयपुर के दूसरे एंड पे देख रहे हैं, और यहाँ से भी देखिए, दिस इज अमेजिंग गाइस, सी द व्यू अंदर, रूम टू रूम, रूम टू रूम अगर हम आगे बढ़ते जाएं। सो देखिए
इसके आगे भी बढ़ते जाओ एंड सी देर इज अ वन रूम सेकेंड रूम थर्ड रूम एंड दिस इज द अगेन रूम और ये छोटा सा कोर्टयार्ड। फिर वापस हम आगे बढ़ते हैं वन रूम टू रूम एंड दिस साइड ऑल्सो सो और इस तरफ हम बाहर निकल गए तो इस तरफ इन्होंने बंद किया हुआ है ये जो पार्ट है ये क्लोज्ड। सी फ्रॉम इनसाइड यू कैन सी दिस इज़ हाउ यू कैन सी बहुत ही अच्छा लग रहा है और अगर मैं यहाँ से दिखाना चाहूँ सो अगेन यू कैन सी इट इज़ वेरी नाइस फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। सो गाइज ये था जयपुर में नाहरगढ़ फोर्ट और बहुत ही छोटा सा किला है और स्पेशलिटी यहाँ पे यही कही जा सकती है कि यहाँ पे आप माघवेंद्र भवन देख सकते हो और सिटी व्यू कंप्लीट सिटी व्यू देख सकते हैं। बस ये इतना सही है नाहरगढ़ फोर्ट। और ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो सो यू जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल BPS चौहान व्लॉग्स।